जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, ठीक उसी प्रकार हरियाणा के किसानों का हुक्का जो है वो दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुलाना से पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह ढुल। परमेंद्र सिंह ढुल जी जो बीजेपी के पहले बीजेपी में रहे और बीजेपी इस जो ये बिल आया है किसानों का, इसके विरोध में सबसे पहले इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेताओं में अगर कोई थे तो परमेंद्र ढुल सिंह जी थे। और इनके बेटे जो कि हरियाणा डबल एजी रहे हैं सरकार में, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं रविंदर सिंह ढुल, इनके ही बेटे हैं। उन्होंने भी जो है डबल एजी के पद से सबसे पहले इस्तीफा दिया था। जी नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है सर आपका दालो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसानों के आंदोलन को के समर्थन में आप दिल्ली पहुंचे हैं, इससे पहले इस जो कृषि कानून बिल आया उसके खिलाफ सबसे पहले आपने बीजेपी से इस्तीफा दिया, तो आज आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं? किसान आंदोलन सही दिशा पे चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है। आज एक ही मांग है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने इन कानूनों को बिल्कुल भरी भांति पढ़ करके अपनी पार्टी के फोरम में आवाज़ उठाई, जब वहाँ नहीं सुनी गई तो हमने इस्तीफा देने का मन बनाया। इस्तीफा दे करके आज किसान के समर्थन में हम खड़े हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस देश से इन तीनों काले कानून जिन्होंने कांग्रेस को नेस्ताबूत करने का, इसका किसानों को खिलाफ आज जो ये काले कानून लेकर आए, जिससे किसान बर्बाद होना है, किसानी बर्बाद होनी है। और इसके साथ एक और वजीब बिनबना ये भी है कि इसके साथ तमाम उपभोक्ता और मजदूर भी इतना ही जुड़ा है। जब मेरी आपके माध्यम से आज के उपभोक्ता के रूप में तमाम देशवासियों से भी अपील है कि इस किसान के कानून के विरोध के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि अगर अकेला किसान नहीं मरेगा पूरा देश मरेगा। बीजेपी सरकार इस अध्यादेश को लेकर आई, आप उस समय बीजेपी में थे, आपने इसके विरोध में बीजेपी से इस्तीफा दिया, आपके बेटे ने बहुत बड़े पद जो होता है डबल एजी का वो उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसे में आपने जब पार्टी ये अध्यादेश लेकर आई, आपने पार्टी के अंदर जो आवाज़ उठाई, किसी नेता को कहा, समझाया मुख्यमंत्री को? नहीं, मुख्यमंत्री ने मेरे को दो बार बुलाया, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी दो तीन बार बात हुई, उन्होंने बुलाया था, बात सुनी उन्होंने, लेकिन मैंने उनको जो अपने मेरी जो रिजर्वेशन थी इसके बारे में उनको बताया, उनके पास जवाब नहीं था। जब मैंने पूछा कि आप एपीएमसी ख़त्म करने जा रहे हो, कहता नहीं हम एपीएमसी नहीं ख़त्म कर रहे, एपीएमसी को ख़त्म करने जा रहे हैं, राज्य का विषय है, आप कैसे केंद्र सरकार कैसे थोप सकती है? अब आप पोपेट बने हुए हो तो इसलिए एपीएमसी ख़त्म करने का आपकी साजिश है। जिस दिन एपीएमसी ख़त्म होगी, साल में, दो साल में, तीन साल में, उस दिन किसान बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। आपने पूंजीपतियों के हाथ में सारी व्यवस्था देने का मन बना लिया। आप ये कह रहे हो ओपन मार्केट हो गए, वन नेशन वन मार्केट होगी, वन नेशन वन मार्केट का इतना ही दुष्प्रभाव होगा जो पूरा विश्व आज देख चुका है। तो उसके चलते हमारा छोटा किसान है, छोटी जोत के किसान है, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम बर्बाद होंगे, आखिर अंत ये होगा इसका। अगर ये कानून बने रहे तो किसान अपनी ही ज़मीन में मजदूर बनने के लिए बाध्य होगा। अच्छा, सरकार जहां कह रही है कि किसान कहीं भी बेच सकता है, वो तो पहले भी बेच सकता था, लेकिन आज एक दो किसानों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हरियाणा में ही हम कहीं और नहीं बेच सकते, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फसल का, फसल ब्योरा पे, और उस फसल के रजिस्ट्रेशन में बकायदा मंडी का नाम बताना पड़ता है कि कौन सी मंडी में मैं बेचूंगा, अगर रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाता है तो फिर उससे अलग वो कहीं बेच नहीं सकता। सर आपकी बात सही है, जब उसके भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मेरा फसल मेरी ब्योरा लागू किया है उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगी हैं, नहीं पहले भी कभी भी कहीं रोक नहीं थी, बल्कि हम खुद अपने किसान जीन से हम नरेला मंडी में या हम नजफगढ़ मंडी में अपना गेहूं लेके आया करते, 150-200 रुपए क्विंटल के ऊंचा भाव मिला करता, हम दे के आया करते, कोई रोका नहीं किसी ने आज तक, लेकिन अब रोकना शुरू कर दिया। एक तरफ तो ये कह रहे हैं किसान को स्वतंत्रता है कहीं भी बेच के आए, दूसरी तरफ यही इन्होंने रोकना शुरू कर दिया, तीसरा इसके अंदर जो बात ये है कि आप जो हमारा 2 किले का 2.5 किले का 4 किले का किसान है, मान लीजिए पूना के अंदर उसका रेट ज़्यादा मिल रहा है, मैं कैसे पूना जाऊंगा? मेरे पास इतनी हैसियत तो मेरी अपनी अब भी नहीं है कि मैं नज़दीक की मंडी तक ही मुश्किल से जा पाता हूँ, अगर मुझे दूर जाना पड़े तो मैं कैसे जाऊँगा? चाहिए तो ये था, एक ये सर्वे हुआ था कि देश के अंदर 42,000 मंडियाँ नहीं बननी चाहिए, टोटल स्ट्रक्चर 42,000 मंडी का होना चाहिए, ताकि किसान को हर 5 किलोमीटर के एक बड़ी मंडी मिले, और बड़ी मंडी मिले तो वहाँ सरकार के संरक्षण में और किसान के संरक्षण मंडी चलती रही है, किसान की भागीदारी होती है मंडी में, ताकि उस मंडी के अंदर जाकर के उसको भाव मिले। अब इन्होंने इस सारे सिस्टम को बदलना शुरू कर दिया, इसलिए कर दिया कि पूंजीपतियों के हाथों में व्यवस्था देना चाह रहे हैं, वन नेशन वन मार्केट कह दिया।
वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन वर्ल्ड मार्केट होने वाली है कोई भी इस कानून के बाद, या जब ये पूर्णतः लागू हो जाएगा, जो पूंजीपति प्लेयर जो खरीद के लिए आएगा, जैसे अभी पीछे सिवान मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में MSP मक्का की 1850 रुपये के आसपास MSP पे खरीदनी हुई, किसानों ने अपना संघर्ष करके मक्का को मंडी में ले जाना बंद कर दिया, वहाँ बाजार समितियाँ नहीं ले गए। उसके बाद सरकार ने एक्सपोर्टर को इजाज़त दे दी 1600 रुपये में विदेशों से मक्का मंगा करके यहाँ डाल दी। नतीजा क्या हुआ कि उन किसानों का मक्का 1800 में, जो 1800 में बिकना चाहिए तो 800 में, 1100 में, 900 में बिका। ये अभी आपके सामने एक मंडियाँ ख़त्म हुई, बिहार की हालत जो हुई है उसी के तर्ज पर पूरे देश को आज किसानों को ये बर्बाद करना चाहते हैं। इनका एक ये एक एजेंडा है स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कि हिंदुस्तान के किसान को किसानी से निकाल करके मजदूर के रूप में बनाया जाए और इंडस्ट्रीज़ के अंदर सस्ती लेबर मिले, इनकी मजबूरी हो जाए काम करना। अच्छा जी, प्रदेश के किसानों को, किसान कह रहे हैं कि हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, हमारी थोड़ी बहुत आस थी तो वो दुष्यंत चौटाला पे थी, और दुष्यंत चौटाला जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों पर कुछ ऐसी बात आएगी तो मैं समर्थन वापस ले लूँगा, क्या कहेंगे आप? जननायक चौधरी देवीलाल अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े किसान नेता हुए, उन्होंने किसानों के लिए भलाई के बहुत काम किए। उनके नाम लेकर के सत्ता में आने के बाद उनका ये धर्म बनता था कि उनके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाते, उनके पद चिन्हों पर चलते, उनके आदर्शों को मानते हुए अपना कार्य करना चाहिए था, लेकिन अफसोस उनके आदर्श भूल चुके हैं। प्रदेश सरकार को क्या नसीहत, कोई संदेश कुछ देना चाहेंगे? प्रदेश सरकार तो केवल लूटने में लगी, आज हर जगह लूटने में लूट का माहौल है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, हर प्रकार से लूट का माहौल बना हुआ है। आज प्रदेश सरकार से किसी किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। जन आंदोलन के चलते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर प्रदेश सरकार भी नेस्ताबूद होगी और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार भी नेस्ताबूद होगी। जी धन्यवाद। फिलहाल जो बताया है कि नसीहत तो नहीं दी है लेकिन साफ शब्दों में समझाने का प्रयास किया है परमेंद्र सिंह धूल जी ने कि ये सरकार जो है बहुत जल्दी नेस्ता नाबूद होने जा रही है। तमाम आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों से अपडेट पाने के लिए बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।